हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी है बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैट एंड द रोड नॉट टेकन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं करते हैं स्टार्ट होप यू ऑल आर फाइन ऐसे बात पे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ और वीडियो को एंड तक देखिएगा सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा मॉडर्न एरा में स्टूडेंट्स को कैसे टीचर्स पढ़ा रहे थे मतलब कौन पढ़ा रहा था अ टीचर पेरेंट्स कंप्यूटर अ मकैनिकल रोबोट टीचर तो उनको कौन पढ़ा रहा था अ मकैनिकल रोबोर्ट टीचर डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वेयर डिड टोमी फाइंड द बुक टॉमी को जो बुक थी वो कहाँ पे मिली थी जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर में क्या बताया गया था कि जो टी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे हैं वहाँ पे बुक नहीं अवेलेबल्स होती ई बुक्स का ज़माना है वो ओके सो so, यहाँ पे अब उसको जो बुक मिली वो कहाँ से मिली थी एन अ पब्लिक लाइब्रेरी एन अ लाइब्रेरी एन एस हाउस ऑन द रोड साइड तो वो उसको बुक कहाँ पे मिली थी अपने हाउस में सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ ओल्ड टॉमी टॉमी कितने साल का है वो थर्टीन ईयर्स ओल्ड है ओके okay? बी क्या है करेक्ट ऑप्शन और जो मार्गी है वो अलेवन ईयर्स ओल्ड है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन इस लेसन का ऑथर कौन है चार्ल्स टिकन्स इसाक आसिमोफ मल्टन नन तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इस चैप्टर के ऑथर का नेम क्या है ओके दैट्स योर होमवर्क और इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ओके नेक्स्ट है वॉट इज अ डिबेट डिबेट का तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होती है, आपके स्कूल में भी ये कंडक्ट कराई जाती है सो so, एक आर्ग्यूमेंट होती है दो लोगों के बीच में सो अ कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल यही ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कंटेस्ट टू फाइट कंटेस्ट टू प्रूव बैटर नन ऐसा कुछ नहीं होता कि एक दूसरे को बैटर प्रूफ करना होता है या फिर लड़ाई करनी होती है तो एक अपने व्यूज रखने होते हैं जो कि एक फेवर में रखता है और दूसरा अगेंस्ट में रखता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट डिड टॉमी फाइंड टॉमी को क्या चीज मिली थी एंड ओल्ड बुक विद यलो क्रिंकी पेजेस अ यलो पेजेस बुक अ ब्रांड न्यू बुक अ डायरी अब आप लोग ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपके चैप्टर में सीधा सीधा लिखी हुई है कि उसको कैसी बुक मिली थी एक पुरानी सी बुक मिली थी जिसके यलो क्रेंकी पेजेस थे क्रेंकी पेजेस का मतलब हो कि मुड़े हुए पेजेस होते हैं सो so, ये क्या इसका आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर सेवन विच ईयर हैज़ द स्टोरी बिन सेटन अब देखिए जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर रिलेटेड ही है और ये कौन से इस स्टोरी में कौन से ईयर की बात करी गई है दैट इज़ ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन कि जो ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन में जो स्कूल्स हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे कि बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे और रोबोटिक टीचर होंगे वैसे कि आप में आपने तो पहले ही कर लिया है क्योंकि ये कोरोना की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन टीचिंग ही चली है, है ना नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर एट टू विच वर्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू फ्यूचर वर्ड पास्ट वर्ड प्रेजेंट वर्ड फ्यूचर वर्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल अब ये तो आपको पता है जो ये स्टोरी है फ्यूचर की तरफ जा रही है है ना बट आप इसका आंसर सिर्फ खाली फ्यूचर वर्ड नहीं दे सकते क्योंकि इस स्टोरी में प्रॉपर एक चीज़ क्या है कि कंप्यूटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे वो टीचर्स का रोल प्ले कर रहे हैं ओके okay? सो so डी क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन रिगार्डिंग किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है टॉपिक रिगार्डिंग आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने एम करेक्ट रहे ओके okay? नेक्स्ट आता है वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग मार्गी को ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग क्यों लगता था क्योंकि वहाँ पे फन था यस ह्यूमन टीचर्स थे यस yes. मैनी फ्रेंड्स थे इन ऑप्शन करेक्ट आते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में सारे ऑप्शन भी बनते हैं आप घूमते फिरते भी हो ह्यूमन टीचर्स हैं आप उनसे कुछ मर्जी पूछ सकते हो सो so, ये वाले ज्यादा बेटर लगे होंगे ऑब्वियसली बस ऑनलाइन क्लास तो आपको एग्जाम के लिए ही अच्छी लगी होगी आई नो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर टेन वट वर द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में क्या डिफ्रेंस है एक तरह से यहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है आप कैसे बता सकते हो कि जैसे कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है उनमें और जो आप अब नॉर्मल स्कूल में जाने लगे हो उसमें क्या डिफरेंस है ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स ओबियसली ओल्ड स्कूल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं मॉडर्न स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि घर से ही पढ़ाई होती है ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स और मॉडर्न स्कूल में रोबोट्स होते हैं ओल्ड स्कूल में प्ले होते थे और मॉडर्न स्कूल में सिर्फ कंप्यूटर होते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है सो so, डी क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन नंबर एलेवेंथ हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर टॉमीज टीचर को रिपेयर करने में जो कि वो रोबोटिक टीचर है उनको कितना टाइम लगा था रिपेयर करने में दैट इज वन मंथ एक महीना लगा था ओके okay? सो डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी काउंट इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प करी थी मार्गी की जैसे कि आ, उसका जो जियोग्राफी लेसन था वो बहुत ही हार्ड लेवल पे चल रहा था जिसकी वजह से वो कंटिन्यू फेल हो जा रही थी सो ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल ही चेंज द मॉड्यूल चेंज द टीचर चेंज दिस लेवल्स तो उसने क्या करा था जो मॉड्यूल था जो मार्गी के लेवल पे सेट कर दिया गया था सॉरी नहीं वो टीचर को जो रोबोटिक टीचर है उसको मार्गी के लेवल पे सेट कर दिया गया था ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच सब्जेक्ट वॉज मार्गी फेलिंग रेपिडली जो मार्गी है बार बार कौन से सब्जेक्ट में फेल हो ही जा रही थी अभी अभी हमने बात करी जो उसके जोग्राफी थी वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था So, जिसकी वजह से वो फेल हो ही जा रही थी उसमें सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज़ कंप्यूटर टॉमी के कंप्यूटर में से कौन सा सेक्शन कंप्लीट हो चुका था वो था हिस्ट्री का बी क्या है करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखना मार्गी का कौन सा सब्जेक्ट में फेल हो रही थी जियोग्राफी में और जो टॉमी है उसका कंप्यूटर में कौन सा सब्जेक्ट डिलीट हो गया था वो हो गया था हिस्ट्री का ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द काउंटी इंस्पेक्टर हैड ब्लू फेस ब्राउन फेस रेड फेस या फिर व्हाइट फेस जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनका फेस कैसा था सो so, वो काउंटी इंस्पेक्टर का फेस कैसा था रेड फेस था सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डिड मार्गी हैव फिक्स्ड कोर्स ऑफ स्टडी नो शी स्टडीड ऑफ एंड ऑफ येस शी हेड फिक्स एम एंड वोर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे नन तो ये मार्गी के एक फिक्स्ड पीरियड था पढ़ाई करने का स्टडी करने का तो सी क्या इसका आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन डैश इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक हुट दिस ये किसने बोला ये बोला था टोमी ने मार्गी को ओके okay? टोमी ने बोला था मार्गी को ये चीज़ याद रखिएगा ये सेंटेंस सो इधर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा ऑब्वियसली ये चीज किसने बोली थी टॉमी ने बोली थी अगर इधर पूछा होता कि किसको बोली थी तो तब क्या आता है इसका करेक्ट ऑप्शन मार्गी ओके क्वेश्चन नंबर एटीन हाउ लॉन्ग अप्रॉक्स डट द इंस्पेक्टर टेक टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने में उसको कितना टाइम लगा था वन और ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वॉट इज अ टेली बुक टेली बुक क्या होती है एक ई e बुक होती है एन इलेक्ट बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर होती है या ऑल ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन आएगा डी टेली बुक क्या होती है सब इंक्लूड हो जाता है वो ई e बुक भी होती है ई e बुक को ही हम इलेक्ट्रॉनिक बुक कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होगी जो कि हमारा सारा का सारी चीज़ें कंप्यूटर में सेव हुई हुई मिलेंगी हमको स्टोर कर दी जाती हैं उधर तो सारे ऑप्शन इसका करेक्ट है सो so, डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन सेंचुरी मीन्स सेंचुरी कितने टाइम पीरियड की होती है टेन ईयर्स की वन थाउजेंड ईयर्स की हंड्रेड ईयर्स की या वन हंड्रेड टेन ईयर्स की एक सेंचुरी होती है हंड्रेड ईयर्स की ऑप्स सी हंड्रेड ईयर्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके चैप्टर के एम सी क्यूज कंप्लीट होते हैं कई चीजों का ध्यान रखिएगा मेन टोमी और मार्गी रिलेटेड ही है टॉमी को कौन से सब्जेक्ट डिलीट हुआ था उसका हिस्ट्री का सब्जेक्ट डिलीट हुआ था और मार्गी को कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी जियोग्राफी में टॉमी का जो इशू था आ, वो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगा था वन मंथ लगा था उसके रोबोटिक टीचर को ठीक करने में और मार्गी वाले को वन और लगा था और उसमें उसने क्या करा था काउंटिंग इंस्पेक्टर ने सिर्फ उसका का लेवल मार्गी के लेवल पे कर दिया था तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखिएगा ओके जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल लाइक कर दीजिए आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या आंसर है कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग